स्कूल जाया जाए बच्चों के। मम्मी भी वैसे बहुत दिनों से बोल रही थी कि उन्होंने कभी देखा नहीं है एलिमेंट्री स्कूल यहाँ का, तो वीडियो शूट करके दिखा दो ऐसे कह रही थी। तो हम लोग भी चलते हैं, थोड़ा वॉक वगैरह हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी, क्या कहते हो? हाँ चलो, कुछ अच्छा आइडिया है ना? चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। हाँ अभी तो आफ्टर स्कूल आवर्स है राइट, तो अभी तो सारे बच्चे भी नहीं होंगे, तो अपन अभी वीडियोज़ और फोटोज़ खींचने में भी अपने को ईजी रहेगा और मम्मी को भी फिर दिखाना हो जाएगा और अपनी वॉक भी हो जाएगी। सही है, चलो चलते हैं। तो चलो फिर कैब बुक कर लेते हैं। अरे मैं गाड़ी निकाल लेती हूँ। अरे नहीं, हमेशा तू क्या गाड़ी निकाल लेती है, आज रेस्ट कर। हमेशा आज कैब से ही जाएंगे। आज अपन बुक करते हैं कैब। चलो अच्छा, चलो बुक कर लेते हैं। चलो, हो गई बुक? हाँ हो गई, अभी यहीं से कैब आएगी। हम दोनों को पीछे से नहीं जाते, बैठे हुआ भी नहीं जाते। Thank you so much. Thank bye you. Bye bye. Okay. चलो आ गए स्कूल यार। ये देखो, ये है हमारा एलिमेंट्री स्कूल जहाँ पे हमारी सोसाइटी के सारे बच्चे आते हैं। बसेस की पार्किंग होती है और फिर यहाँ से हमारी क्लासरूम स्टार्ट्स होती है। तो बच्चे यहाँ से उतरते हैं और अपनी अपनी क्लासरूम में जाते हैं। जो बच्चे बस से नहीं आते हैं उनके पेरेंट्स यहाँ से उनका पिक एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ऑफिस तो ओपन है। ठीक है, चलो ओके बाय, मिलते हैं। एक्टिविटीज़ तो होनी चाहिए। और बच्चों के लिए कितना अच्छा प्ले ग्राउंड है ना। कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती है। यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो बताते हैं बच्चों की कि जब रिसेस होती है तो उन्हें क्या क्या करना होता है, कैसे रहना है। जैसे उनको बोला जाता है कि स्टे इन अप्रूव्ड एरियाज ओनली, लिसन टू एडल्ट्स, फॉलो रूल्स एंड डायरेक्शंस, काइंड वर्ड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, फॉलो रूल्स एंड डायरेक्शंस, टेक केयर ऑफ इक्विपमेंट्स। यहाँ जगह जगह पर ये पोस्टर्स लगाए जाते हैं ताकि बच्चे इन सबको फॉलो करें। यहाँ पे क्लासरूम को ऐसे नंबर्स दिए होते हैं और यहाँ पे टीचर्स का नाम भी लिखा होता है। चलो प्लेग्राउंड की यहाँ चलते हैं, वहाँ के वीडियोस देखते हैं। बड़ा हो गया ना डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज भी है यहाँ पे करने के लिए बच्चों के लिए। यहाँ पर ज़्यादातर एलिमेंट्री स्कूल्स का पैटर्न्स ऐसे ही होता है, सारी स्कूल्स ऐसी ही दिखती है। या इंडिया में तो सेकंड थर्ड फ्लोर के होते हैं, यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। हाँ, यहाँ पे सिंगल फ्लोर ही होता है। वो बच्चों की सिक्योरिटी की वजह से भी ऐसे होता है। हाँ, और जैसे हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, यहाँ पर ग्रेड्स बोला जाता है। यहाँ पर कई सारे बच्चों को नट्स की एलर्जी होती है, तो इसलिए भी ऐसे कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ताकि नट्स ना लाए जाए क्लासरूम के अंदर। अभी हम स्कूल की मेन डोर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे कैसे नॉर्मली हम आते हैं तो वहाँ पे पुश बटन है, वो पुश करेंगे तो वहाँ से फिर स्पीकर पे आवाज आता है कि आपका क्या काम करना है, काम है वो बताना है, तो वो ओपन करते हैं ऑटोमेटिक डोर के। हाँ, तो ये है मेन डोर स्कूल का। पुश बटन दिखा दूं? और ये है पुश बटन, यहाँ पे क्लिक करके वो लोग हमें इस कैमरा से देखते हैं और फिर हमसे पूछते हैं कि क्या काम है, और हमारे बताने के बाद वो मेन डोर ओपन करते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पस की वजह से होता है। आ गए और फ्रेश एयर भी है तो थोड़ा सा वॉकिंग जॉगिंग कर लेते हैं। हाँ सही रहेगा। और तुम लोग बोल भी रहे थे ना कि तुम लोग कुछ लेकर आने वाले हो, फुटबॉल, स्कीपिंग रोप और क्या बैडमिंटन लेकर आए हो? हाँ हाँ मैं लेके आई हूँ, बैडमिंटन रैकेट लाई हूँ, फुटबॉल लाई हूँ और स्कीपिंग रोप भी लाई हूँ। अच्छा फिर ठीक है ना, चलो चलो कर लेते हैं फिर, चलो करते हैं। अच्छा है अपन ने कुछ शुरुआत तो करी, नहीं तो एटलीस्ट जो अपन भूल गए हैं वो तो अपने को अब याद आने लगेगा। अपन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर से अपने को याद आ जाएगा, बट एटलीस्ट स्टार्ट तो हुआ। अच्छा है, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा है, खुद के लिए तो कुछ तो करेंगे अभी। हाँ। खुद के लिए भी टाइम निकालेंगे। राइट। हाँ यार, बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। अब जो करते थे बचपन में वो सब हम दोबारा से करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है अभी ये करके। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है ये सब कुछ करके डेज के बाद। मज़ा आया, एकदम मज़ा आ गया आज तो। मतलब आप रोज करेंगे अपन। हाँ बिल्कुल। Thank you so much. You're welcome. My pleasure. Have a good day. Have a good day. Bye.